अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाह ज़ैब एंड यू आर वॉचिंग ज़ेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा कंपैरिजन सैमसंग गलेक्सी A53 5G वर्सेस सैमसंग गलेक्सी A52s 5G। अब ये दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं और इनका जो डिज़ाइन है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है, आपको कौन सा बाय कर लेना चाहिए अगर आपका बजट है 70 to 80,000 के राउंड अबाउट। तो अगर आप इनमें से कोई एक बाय करना चाहते हैं तो मेक श्योर वीडियो का एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो को देखते हुए आप नीचे को मैं पूछ सकते हैं। तो करते हैं आज के कंपैरिजन स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो यहाँ पे जो दोनों स्मार्टफोन का डिज़ाइन है बिल्कुल सेम हमें देखने को मिल जाता है। बात कर लीजिए सैमसंग A53 की, तो यहाँ पे बैक साइड पे वही डिज़ाइन मिल जाएगा प्लेन लुक के साथ। यहाँ बॉक्सी लुक देखने को मिल जाएगी। A52s की भी सेम बॉक्सी लुक है, दोनों के अंदर ही नीचे हमें जो सैमसंग की ब्रांडिंग है वो मिलेगी। और बाकी कैमरा मॉड्यूल की बात कर लिया है तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिल जाएगा, जो कि इसकी जो बैक की साइड है उसके जैसा ही कलर के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें वर्टिकली 3 कैमराज, 7 फोर्सेंसर और उसके नीचे LED फ्लैश लाइट, दोनों का बैक साइड जो बिल्कुल सेम हमें मिलती है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड भी बिल्कुल सेम ही ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, दोनों के अंदर हमें जो सेंटर पंच होल है और साइज में भी काफ़ी छोटा देखने को मिलता है। बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हमें जो बेजल और चिन का है वो सैमसंग A53 में हमें कम देखने को मिलती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसके डिज़ाइन में देखने को मिलता है। बाकी बात कर लीजिए इसके डिस्प्ले की, तो दोनों का डिस्प्ले भी हमें ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाता है। दोनों के अंदर ही हमें 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि 1080p x 2400 pixels। इसके साथ साथ दोनों के अंदर ही हमें जो 120Hz का रिफ्रेश रेट है वो भी मिल जाएगा, तो स्मूथनेस जो है डिस्प्ले की वो दोनों के अंदर ही मिलती है। इसके साथ साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दोनों के अंदर मिलेगी। तो डिस्प्ले वाली साइड से हमें दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात कर लीजिए हमें इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर वाली साइड से यहाँ पर थोड़े चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो सैमसंग गलेक्सी A52s है इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन की तरफ से Snapdragon 778 5G। अब ये जो प्रोसेसर है 6nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें जो GPU है Adreno 642L का देखने को मिलेगा। जबकि बात कर लीजिए सैमसंग गलेक्सी A53 की, इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलेगा वो सैमसंग की तरफ से मिलता है, यानी कि सैमसंग Exynos 1280। अब ये न्यू प्रोसेसर है, इसके अंदर हमें जो 6nm की टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलती, यहाँ पर हमें 5nm बेस पे जो ये प्रोसेसर है वो बनाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर हमें जो GPU मिलता है इसके अंदर हमें Mali G68 का मिलेगा। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से दोनों स्मार्टफोन हमें ठीक देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी सैमसंग गलेक्सी A52s 5G की। स्नैपड्रैगन का इसके अंदर प्रोसेसर है तो गेमिंग के अंदर ये ज़्यादा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा मल्टीटास्किंग और ये सब सोशल मीडिया में हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा सैमसंग गलेक्सी A52s। बाकी नॉर्मल टास्किंग और थोड़ी हैवी चीज़ भी हमें सही देखने को मिलेंगी A53 के अंदर, लेकिन एज़ कम्पेयर टू A53 हमें A52s ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है परफॉर्मेंस वाइज। बाकी वेरिएंट्स की बात कर लिया तो यहाँ पे जो सैमसंग गलेक्सी A52s है इसका 8128 के साथ देखने को मिलता है वेरिएंट। जबकि बात कर लिया सैमसंग गलेक्सी A53 की, इसका हमें 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे स्टोरेज का डिफरेंस ही है, बाकी दोनों के अंदर हमें रैम सेम ही देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो यहाँ पे जो सैमसंग गलेक्सी A53 है इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 मिल जाएगा, जिसके अंदर हमें जो 1 UI 4.1 है वो मिलता है। जबकि बात कर लीजिए A52s की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 मिलेगा और उसके साथ हमें 1 UI देखने को मिलता ही है। तो ये भी अपग्रेडेबल है एंड्रॉयड 12 पे, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के अंदर हमें जो एंड्रॉयड 12 की जो OS है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी कैमरा की, तो कैमरा वाली साइड से भी दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। बैक की बात करें तो बैक पे दोनों के हमें जो क्वाड कैमरा सेटअप है वो मिल जाएगा, 64MP का मेन सेंसर है 1.8K अपर्चर के साथ। इसके अअलावा सेकेंड लेंस 12MP का, एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक 5 का मैक्रो और 5 का डेप्थ सेंसर। जबकि फ्रंट की बात कर लिया तो फ्रंट साइड पे दोनों के अंदर हमें 32MP का जो सेल्फी शूटर है वो मिलेगा। तो अब तक यहाँ पर जो सैमसंग गलेक्सी A52s के कैमराज हैं, इसी जो इस रेंज में स्मार्टफोन आता है 70,000 के राउंड आओ, तो इस रेंज के अंदर इसके कैमराज काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। जबकि बात कर लीजिए सैमसंग गलेक्सी A53 की, तो इसके भी सेम ही हम कैमराज कह सकते हैं मेगापिक्सल वाइज। बाकी क्वालिटी की बात कर लिया तो थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन में भी इसकी ज़्यादा बेटर हो A53 की, लेकिन मेगापिक्सल वाइज देखा जाए तो दोनों ही सेम कैमराज देखने को मिलते हैं। तो कैमरा वाली साइड भी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम देखने को मिलती है दोनों ही स्मार्टफोन की। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इनकी बैटरीज की और चार्जिंग की, तो जो सैमसंग गलेक्सी A53 है इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, टाइप सी है। इसके अलावा इसके अंदर जो फास्ट चार्जिंग है 25W की मिलेगी।
जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी A52s की, तो इसके अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी, टाइप सी और 25W की चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग इसके अंदर भी मिलती है। तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिलती है चार्जिंग सैमसंग गैलेक्सी A53 के अंदर, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू A52s। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लीजिए इनके थिकनेस और वेट की, तो यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है ये थोड़ा स्लिम देखने को मिलेगा 8.1 mm के थिकनेस के साथ, जबकि बात कर लीजिए यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A52s की, तो ये 8.4 mm थिक देखने को मिलेगा, तो 0.3 का यहाँ पर फ़र्क हमें देखने को मिलता है। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पर इनके वेट की, तो दोनों का जो वेट है वो सेम ही मिलता है, 189 ग्राम के जो राउंड बॉडी इनका वेट है दोनों का देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर लीजिए, तो दोनों के अंदर ही हमें जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिलता है। और इसके अलावा दोनों के अंदर ही हमें जो IP67 की जो वाटर रेजिस्टेंस है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, वो मिलती है, तो दोनों के अंदर जो पानी के यहाँ पे ड्रॉप्स हैं वो भी सही हमें देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को कोई भी डैमेज हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया दोनों का कंपैरिजन, सैमसंग गैलेक्सी A52s वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A53। बात करें यहाँ पे फाइनल ओपिनियन की, फाइनल वर्डिक्ट की, कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। अब यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन ही ऑलमोस्ट सिमिलर हमें जो देखने को मिल जाते हैं स्पेसिफिकेशन वाइज और डिज़ाइन वाइज भी। बस यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A53 है इसकी जो थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, इसके अलावा यहाँ पे बस प्रोसेसर चेंज देखने को मिलता है जो कि परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा लो एंड देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू A52s के अंदर जो स्नैपड्रैगन 778G लगा हुआ है। बाकी ओवरऑल दोनों के जो स्पेसिफिकेशन हैं, डिज़ाइन हैं, वो दोनों के सेम हैं। तो इन दोनों में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी सैमसंग गैलेक्सी A52s प्रोवाइड करता है। इसका बस जो बैटरी है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है, बाकी ओवरऑल जो इसकी सारी चीज़ें हैं, स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं, डिज़ाइन भी अच्छा देखने को मिलता है। और इसकी जो प्राइस है वो भी 67,000 के राउंड अबाउट आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। जबकि बात करें A53 की प्राइस की, तो इसकी जो लॉन्च डेट अगर प्राइस होती है तो 80,000 के राउंड अबाउट कहीं पे देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए। बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपको कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगा है, नीचे को जरूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं मुझे पहली दफा देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कुछ तरह की नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।